हेलो ऑल, वेलकम टू टुडे गाइड। इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.4 से क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स व्हिच डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो कौन से वो क्वाड्रिलेटरल्स हैं? फर्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर का फिगर ड्रॉ करते हैं। स्क्वायर का जो डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे वो बाइसेक्ट करेंगे कि नहीं? बाइसेक्ट का मतलब इक्वली डिवाइड करना, ठीक है? तो स्क्वायर में हो गया। नेक्स्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में सेम वो बाइसेक्ट करता है, ठीक है? मतलब ये जो बीच में जो पॉइंट रहेगा तो उसको इक्वली वो डिवाइड करता है, ठीक है? और नेक्स्ट हमारा रोम्बस। रोम्बस भी सेम स्क्वायर की तरह है, तो उसका जो डायगोनल है वो भी बाइसेक्ट इच अदर करते हैं। डी पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम पर अगर सेम है उसका भी टू डायगोनल्स है और जो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर तो होते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम। तो कौन से वो फिगर हैं जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं? मतलब ये जो ड्रॉ करेंगे बाइसेक्ट करेंगे ना, ये एंगल 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। वो कौन सा है? एक तो स्क्वायर का है क्योंकि उसका चारों साइड इक्वल है। सेम रोम्बस में है, ओके, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आर इक्वल, मतलब क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर इक्वल। कौन से फिगर में डायगोनल्स हमारा इक्वल रहते हैं? फर्स्ट एक तो स्क्वायर है और सेकंड में रेक्टेंगल में। एक स्क्वायर ले लो, यहां से यहां तक, ठीक है? आप नेमिंग करके भी लिख सकते हो। यहां से यहां तक जो लेंथ रहेगा उनका इक्वल रहेगा स्क्वायर में एंड रेक्टेंगल में, ठीक है? रेक्टेंगल में भी जो डायगोनल हम बनाएंगे वो इक्वल रहेंगे, ठीक है? आप फिगर पर मत जाओ, थोड़ा इधर उधर हो रहा है, ठीक है? तो इक्वल हमारा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। करेक्ट, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसको बोला जाता है? जिसको जिसका डायगोनल ना अंदर की तरफ बनते हैं, ठीक है? यहां पर डायगोनल अंदर ही है रेक्टेंगल में, तो आप लिखोगे क्या? बिकॉज बोथ ऑफ इट्स डायगोनल लाई इन इट्स इंटीरियर साइड, ठीक है? ये हो गया हमारा आंसर। डायगोनल फिगर के अंदर ही बनते हैं, ठीक है? इसीलिए वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या है? जो बाहर के तरफ बनते हैं। मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। कॉनकेव देखो, आपके बुक में इसी तरह फिगर आप देखे होंगे कॉनकेव का। तो अगर ये एक डायगोनल हुआ और एक डायगोनल ये, तो ये जो डायगोनल है वो आउटसाइड डायगोनल है कि नहीं? पर हमको ये नहीं चाहिए, इसलिए ये कॉनकेव हो गया और ये रेक्टेंगल हमारा कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। ओके, एक्सप्लेन व्हाई
ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी. ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट. ठीक है, ये जो राइट एंगल है ना, ये हमारा राइट एंगल है, तो राइट एंगल के ऑपोजिट पर ये ओ पॉइंट है. आपको एक्सप्लेन करना है कि ओ बी ओ ए ओ सी ओ डी, ओ डी बाद में आप वो डॉटेड लाइन पे है, आप ओ बी ओ ए ओ सी को प्रूव करके दिखाओ कि वो इक्वल डिस्टेंस पे है. ठीक है, तो लिखना क्या है, रेक्टेंगल हमको तो राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है और ये जो डॉटेड लाइन बनाया हुआ है ना, तो इसीलिए ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बन जाता है. तो लिखेंगे हम ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल. ठीक है, फर्स्ट लाइन हम लिखे, डॉटेड लाइन दिया गया है, इसीलिए हमको लिखना है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल. नेक्स्ट आपको क्या लिखना है कि वी नो इन ए रेक्टेंगल डायगोनल्स और डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ एंड बाइसेप्स ईच अदर. अभी अभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं. ठीक है, कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को. तो बाइसेक्ट का मतलब क्या है, कि वो इक्वली डिवाइड करते हैं. मतलब ये जो डायगोनल ए सी मीन्स दैट इज, आप लिखोगे दैट इज, ये बाइसेक्ट का मतलब दैट इज ए सी इज इक्वल टू बी डी है कि नहीं. तो मतलब ये डायगोनल हमारा इक्वल है और बीच में पॉइंट ओ उसको कट कर रहा है. ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो ओ ए सी इज इक्वल टू बी डी. तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू बी, आप ओ बी भी लिख सकते हो, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. आप ओ डी ना लिखोगे तो भी चलेगा, पर आपको यहाँ दिखाना है, इसीलिए क्योंकि एबीसीडी आपको रेक्टेंगल करके आपको समझाना है. ठीक है, तो ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी, तो चारों अगर इक्वल हैं तो वो इक्विडिस्टेंस हो गया ना, तो इसीलिए दस ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी. वो बी ए ए टू ए बी टू बी सी टू एंड डी टू ऑल्सो करेक्ट. पर इसको हमको कंसिडर आप करोगे तो भी चलेगा, ना करोगे तो भी चलेगा, पर इक्विडिस्टेंस क्यों हुआ आपको ये लिखना है. बस इतना तक आपको दिखाना है, समझाना है वो क्यों है. ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.